नमस्कार दोस्तों, दुनिया जाहिर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक, जो पिछला कल कराया गया टॉपिक, वो था एक तो वायु राशियां, वातावरण और जो चक्रवात वगैरह, थोड़ा वायुमंडल में जल वगैरह वर्षा वर्षण करवाएंगे। और ये जो आज का टॉपिक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो है वर्षा का रूप क्या है, राइट, और थोड़ा बहुत ये ओस वगैरह वाला तुषार जी होता है ये। दूसरा, मेघों से कभी क्वेश्चन आए हैं कुछ बार यूपीएससी वगैरह, मेघ और हाँ चक्रवात। अभी जैसे चक्रवात अभी चल रहा है तमिलनाडु वगैरह, आप देख रहे हैं न्यूज में कि चक्रवात नजर आ रहे हैं, तो ये बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वायु राशियां। देखिए, हर एक टॉपिक को ढंग से सोच समझ लीजिए, बाकी भी कुछ नहीं। वायु राशियां, जब वायु बहुत ज्यादा मतलब समूह में बहुत ज्यादा बड़े रूप में आती है और उसका जो बिहेव होता है, मतलब व्यवहार होता है, आद्रता होती है, या उसके गुण होते हैं, हर वायु राशि के अपने अलग गुण होते हैं। मतलब एक वायु राशि जितनी होगी उसमें सभी समान गुण होंगे, दूसरी वायु राशि अपने समान गुण होंगे, तो मतलब विभिन्न दो प्रकार की वायु राशियां बन जाएंगी। मान लीजिए गर्म हवा है और गर्म हवा एक बहुत बड़े समूह के साथ चल रही है, तो कौन सी कहलाएगी, गर्म वायु राशि कहला जाएगी। एक ठंडी हवा है, वो बहुत बड़े समूह से चल रही है, उसे कहेंगे ठंडी वायु राशि कहेंगे। तो इस प्रकार से दो चीजें हमारी है वायु राशियां जो होती है, मैं आपको बताया। अब वायु राशियों में ये बेसिक तौर पर मैं बात वायु राशियों को चार प्रकार से बांट के पढ़ा रहा हूं आपको। ध्रुवी महाद्वीपी, ध्रुवी भी महाद्वीपी, मतलब ध्रुव से महाद्वीप की ओर आई नहीं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ की जो वायु राशि है काफी ठंड होगी, ज्यादातर ठंड चलेगा, राइट, और यहाँ पर शरद ऋतु बहुत ज्यादा होगी, और जो मतलब गर्मी में थोड़ी बहुत मान लीजिए सन अगर आ गया ठीक है। ऐसे ध्रुवी समुद्री, ध्रुवी भाई समुद्र भी तो है ध्रुव के आसपास, राइट, समुद्र भी तो वहां तक फैला हुआ है, तो जो समुद्र में जो वायु राशियां चलेंगे ध्रुव, उनका व्यवहार जो है महाद्वीपियों से अलग होगा। ऐसे ही करके उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय समुद्री, उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म प्रदेशों में महाद्वीपों पर चलने वाली वायु राशि और उष्णकटिबंधीय में समुद्रों पर चलने वाली वायु राशि। कल का याद कीजिए, कल पिछले लेक्चर का मैंने आपको बताया था कि उष्णकटिबंधीय के आसपास मतलब 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारी वायु राशियां हो जाती हैं। अब ये जो वायु राशियां होती हैं साहब, ये वायु राशियां मतलब मान लो उष्ण वायु राशि होगी या मान लो शुष्क वायु राशि होगी, है ना, तो गर्म हो गई और ठंडी, तो ये वायु राशियां जाके वाताग्र का निर्माण करती है। वाताग्र क्या होता है, जब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियां आपस में मिलेंगी तो क्या बनेगा, वाताग्र बनेगा। तो वाताग्र भी तीन प्रकार का होता है, उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र का मतलब समझ रहे हैं भाई साहब, जब एक ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि दोनों आपस मिलेंगे, ठंडी भारी होती नीचे हो जाएगी और उसको ऊपर चढ़ जाएगी कौन, उष्ण वायु राशि, तो उसे कहेंगे उष्ण वाताग्र। शीत वाताग्र, अब जब दोनों मिलेंगी, राइट, तो यहां मिलेगी बल्कि इसको धकेल रही, जब धकेलेगी तो एक वायु राशि क्या हो जाएगी, ऊपर खड़ी हो जाएगी, तो उसे कहेंगे शीत वाताग्र। और अविष्ट जिसे कहते हैं अविष्ट वायु वाताग्र, ये दोनों मिला दीजिए तो बन जाएगा अविष्ट वाताग्र। अब ये जो वाताग्र में क्यों बताया, क्योंकि इसका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाताग्र से निर्माण होता है चक्रवात का। अब चक्रवात क्या है, देखिए चक्रवात का बेसिक लॉजिक ये समझिए आप, कि मान लीजिए ये एक जगह है, यहां पर वायु दबाव कम हो गया और उसके चारों वायु दबाव ज्यादा है, तो बाहर की वायु अंदर की ओर घुसना शुरू कर देगी ऐसे करके, ठीक, अंदर की ओर धकेलना शुरू कर देगी अपने आप को, क्योंकि अंदर वायु दबाव कम है तो उसके पीछे वाली उसको धकेलेगी, तो धीरे धीरे क्या बहुत स्पीड से बन जाएगा और क्या निर्माण कर देगा, चक्रवात का निर्माण कर देगा। अब ये चक्रवात जो होता है दो प्रकार का चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात, साफ कहने का मतलब शीतोष्ण कटिबंधों पर बनने वाले चक्रवात को शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध कौन से हैं आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पिछले वीडियो में देखें आपको पता चलेगा कि शीतोष्ण कटिबंध कहां है, उष्ण कटिबंध क्या है, ठीक है, तो वहां पर बनता है बेसिक। जैसे एग्जाम्पल मैप में कुछ देखिए, जैसे अटलांटिक महासागर के आसपास, भूमध्य महासागर के आसपास, चीन सागर के आसपास, यहां पर जो चक्रवात बनता है साहब वो कहलाता है उष्णीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात कहलाता है। ऐसे हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है, इसमें कैरिबियन सागर के आसपास देखिएगा, हिंद महासागर के आसपास देखिएगा, यहां पर जो चक्रवात बनता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा था वायु राशियां और वाताग्र, उनसे उत्पन्न हुआ चक्रवात, बस इतना ही करना है आपको, जिसमें आपको याद रखना है ज्यादातर नाम, राइट, कहां पर कौन सा चक्रवात आया, राइट, अभी जैसे नाडा वगैरह आया, टाडा क्या कहते हैं उसको, राइट, वो चक्रवात अभी आया, हुद हुद करके ऐसे बहुत सारे चक्रवात आते हैं, राइट, और हैरिकेन वगैरह बहुत सारे चक्रवात टाइप करते हैं। तो ये बेसिक तौर पर इसका सिंपल सा फंडा है क्या, वाताग्र से बना है, वायु राशियों से बना है, उसी का आधार पर निर्माण होता है।
अगला वायुमंडल जल, साहब वायुमंडल जल जो होता है आर्द्रता के रूप में होता है, आपको ही पता वायुमंडल में जब वाष्पन होता है राइट, जब आर्द्रता है क्या एक्चुअली में, आर्द्रता है कि अगर मान लीजिए किसी वायु में राइट कुछ मात्रा में क्या होता है जलवाष्प होता है, पानी की मात्रा होती है, उसी को हम आर्द्रता कह देते हैं और वही होता है वायुमंडल का जल। तो ये जो आर्द्रता है वो कहां जाती है वाष्पीकरण से, वाष्पीकरण क्या होता है गर्म होता है जब पानी तो क्या बनता है गैस फॉर्म में और ऊपर जाता है, और इसको प्रभावित करने वाले वाष्पीकरण करने वाले कारक है कुछ जैसे तापमान ज्यादा होगा तो ज्यादा वाष्पन होगा, वायु की शुष्कता ज्यादा होगी तो ज्यादा वाष्पन होगा, बादल अगर छाए रहेंगे तो कम होगा, भवन का वेग अगर ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, ये सारी चीजें होती है। अब जो आर्द्रता मैंने बताया, आर्द्रता के तीन प्रकार होते हैं, एक होती निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। ज्यादा कुछ नहीं इसमें, आप इन आर्द्रता में पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए हमें तीन प्रकार से बना दिया उनको लॉजिक के तौर पर कि जब किसी वायु की जो प्रति इकाई क्षमता से कहीं बराबर क्षमता से कम या उसके अंदर कुछ और ज्यादा डाल दिया जाता था, उन्हीं के आधार पर हमने बना दिया निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। तो ये एक्चुअली में आर्द्रता है उसके अंदर उपस्थित जलवायु की मात्रा के लिए बात कर रहा है, कि वायु में उपस्थित जल की मात्रा के आधार पर हमने तीन प्रकार के बना दिए, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है, मान लीजिए संघनन होता है। अब संघनन क्या है, जब सपोज मान लीजिए जब हम किसी भी संघनन एक प्रकार का जब वायु जब आर्द्रता ठंडे क्षेत्र में आती है उसका टेम्परेचर या तापमान डाउन किया जाता है या कम होता है तो वो अपने गैसी फॉर्म में जो होती है वो जो मतलब गैस अवस्था में होती है गैसी अवस्था से वो द्रवीय अवस्था में बदलने लगती है और द्रवीय होती तो ठोस अवस्था में बदलती है, उसे हम कहते हैं संघनन। अब संघनन के रूप जैसे आप देखिए ओस, देखिए ड्यू जैसे कहते हैं ओस, रात के समय देखिए, अब रात के समय क्या होता है कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है, अब जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो क्या होता है कि वो जो कुछ वाटर होता है जो गैस होती है वो छोटे छोटे पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटी छोटी ओस जम जाती है, पानी की बूंदें जम जाती है। अच्छा जब यही ओस मान लीजिए और ज्यादा ठंडी हो जाए तो क्या बन जाती है पाला तुषार, तो पानी के साथ आप पाएंगे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है। कोहरा, कोहरे में भी क्या होता है ये भी एक प्रकार का संघनन ही है, आर्द्रता वगैरह बहुत सारे डस्ट वगैरह पार्टिकल्स होते हैं बन जाता है और उससे भी खतरनाक हो जाता है हमारा धुंध हो जाता है राइट। तो ये जो तीन चीजें मैंने बताया ये सारे किसके रूप है संघनन के, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मेघ, मेघ भी तो संघनन है साहब, यस जो मेघ होता है ये भी संघनन का रूप है राइट। जब ये आर्द्रता संघनित होती है या संघनन होता है तब मेघों का निर्माण होता है, और मेघों को उनकी ऊंचाई के आधार पर उनके फैलाव के आधार पर उनको तीन प्रकार से बांटते हैं, उच्च मेघ जो बहुत ऊंचाई पर रहते हैं लगभग 5 से 14 किलोमीटर ऊंचाई पर क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग तक फैल जाते हैं, मध्य मेघ जो होते हैं 2 से 7 और न्यून मेघ जो होते हैं 2 किलोमीटर के नीचे रह जाते हैं। अब देखिए इनमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कपासी मेघ के बारे में, क्योंकि कपासी मेघ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कपासी तीनों में होते हैं, कैसे बताता हूं आपको। आज उच्च मेघ में जाइए 5 से 14 किलोमीटर, सबसे पहले आपको मिलेंगे पछाव मेघ, उसके नीचे आपको मिलेंगे स्तरी मेघ, और उसके नीचे आएंगे आपको पछाव कपासी। तो पछाव कपासी, अब ऑप्शन दे देगा कि निम्न से कौन से मेघ जो है सबसे ऊपर है, पछाव कपासी दे दिया या मान लीजिए मध्य मेघ कपास दे दिया, तब कैसे करेंगे आप। तो ये दिमाग रखते हैं पछाव मेघ के में ही एक तीन पार्ट होने वाला है। ऐसे मध्य मेघ में स्तरी होता है, मध्य स्तरी मेघ है, उसके नीचे हमारा आता है क्या मध्य स्तरी जो आपका कपासी मेघ। निम्न मेघ में आइए तो निम्न आप आता है स्तरी कपासी, स्तरी मेघ और वर्षा स्तरी, और कपासी और कपासी वर्षा। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ये वर्षा तो इससे होती ना ज्यादातर, तो वर्षा किस मेघ के कारण होती, चार प्रकार के कपासी दे दिया आपको याद होना चाहिए कपासी वर्षा मेघ से हमारे वर्षा प्राप्त होती है। अभी वर्षा मिलती है तो हमने वर्षा को बता दिया भाई साहब, वर्षा तीन प्रकार बताए, हिमवृष्टि, हिमवृष्टि का मतलब जब वो ताप जब वायुमंडल में जब ऊपर ज्यादा निकल जाती है आर्द्रता और जब तापमान गिर जाता है तो वहां पर क्या होता है वो जो लिक्विड होता है आर्द्रता जो होती है वो किसमें बदल जाती है राइट, ठोस में। जब ठोस से मतलब क्या होगा वहां से हिमवृष्टि होना शुरू हो जाएगी, हिम मतलब हिमपात जिसे कहते हैं राइट, तो स्नोफॉल शिमला वगैरह में जाकर देखिए स्नोफॉल होता है जम्मू कश्मीर वगैरह में, फिर सहिम वृष्टि थोड़ा और नीचे इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन, सहिम वृष्टि का मतलब आप याद रखिए कि थोड़ा सा पानी भी होगा लीक ठीक है सहिम, और उसके अंदर क्या होगा ओले टाइप से छोटे छोटे पार्ट भी होंगे।
एक होती ओला वृष्टि। अब जब यही मान लीजिए ये सही वृष्टि है जब हो रही है, ये एक बार और उछल जाए बादलों के ऊपर तो और ठंडी पड़ जाएगी, तो एक और परत बन जाएगी और ठंडी। जितनी बार उछलेगी ऊपर उतनी आसपास की जो क्या होंगी पानी होगा उसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा एक प्रकार का बड़े बड़े ओले बन जाएंगे। अब वर्षा जानते हैं सामान्य वर्षा, पर्वतीकृत वर्षा, चक्रवाती वर्षा। सामान्य वर्षा ज्यादातर चलती कहां पर, ये भूमध्य रेखा के आसपास सामान्य, क्योंकि वो दोपहर में शुरू हो जाती है वर्षा, 12 से लेकर के 4 बजे चलती है राइट, फिर शाम को सर डेली दिन काम होता है सामान्य, क्योंकि सामान्य वर्षा चलती है एक्चुअली में ये मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, हवा ऊपर उठेगी इसका भरने के लिए, दूसरी आ जाएगी फिर उस नीचे जाएगी और एक चक्र चल जाएगा, तो सामान्य वर्षा कहलाती है। पर्वतीकृत वर्षा उन्हें जो पर्वत जैसे मान लीजिए अब आर्द्रता बह रही है, हवा आर्द्रता वाली वायु बह रही है, अब सामने आ गया वाली पर्वत आ गया, तो क्या होगा पर्वत को जब लाभ तो पाएगी नहीं तो उसको उसके साथ साथ ऊपर उठेगी, और जैसे ऊपर उठेगी तापमान गिरेगा तो वर्षा शुरू हो जाएगी। तो पर्वत है ये पर्वत मान लीजिए ठीक, पर्वत का ये जब इस साइड से बिल्कुल फ्रंट साइड जब हवा आएगी तो ये ऐसे ऊपर उठ के यहां वर्षा करेगी, जब शुष्क हो जाएगी तो ऊपर चल जाएगी, तो जिसका पीछे वाला पार्ट है ना ये हमेशा क्या रह जाता है सूखा रह जाता है, यहाँ वर्षा हो जाता है। चक्रवाती वर्षा जब चक्रवात आता है तो अपने साथ बहुत सारी आर्द्रता लेके आता है, जब ठंडा पड़ता है तो फिर बहुत भयंकर बारिश होती है राइट। तो इस प्रकार से वर्षों के रूप में आपको बता दिए, वायुमंडल में जल बता दिया आपको, वायरस यहाँ वातावरण बता दिया आपको, इस प्रकार से चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।